For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss a video from Bollywood Spy. सुल्तान के शो में आए उनके खिलाड़ी दोस्त, लेकिन इस दिन सुल्तान और खिलाड़ी दोनों ही कुछ ना कुछ प्रमोट करते दिखाई दिए। जी हाँ, जहां अक्षय कुमार बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले पर अपनी अपकमिंग फिल्म पैडमैन को प्रमोट करते दिखाई दिए, वहीं सलमान ने अपने बीइंग ह्यूमन साइकिल का किया प्रमोशन। वैसे भी सलमान खान अपने ई साइकिल को प्रमोट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। ऐसे में बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले को वो कैसे जाने देते? सिर्फ यही नहीं, ये दोनों मुझसे शादी करोगी को स्टार्स ग्रैंड फिनाले के मंच पर ई साइकिल्स की सवारी करते भी नजर आए। अब बात करते हैं बिग बॉस की। बिग बॉस का 11वां सीजन अब तक के सबसे सफल सीजन्स में से एक रहा है, चाहे टीआरपी के मामले में हो या फिर सोशल मीडिया पर आए दिन बनते रिकॉर्ड्स की। बिग बॉस 11 वाकई अब तक का सबसे यादगार सीजन में से एक रहा। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। बिग बॉस से जुड़े ऐसे ही मसालेदार खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई। अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित फिल्म टाइगर जिंदा है ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त तहलका मचाया। इसी के साथ सलमान और जफर की सुल्तान के बाद ये दूसरी ब्लॉकबस्टर हिट बनी। और अब सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है कि अली अब्बास जफर बॉलीवुड के दो सुपर खान्स के साथ एक कॉमेडी फिल्म बनाना चाहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सलमान और शाहरुख खान की। बता दें, सलमान और शाहरुख हमेशा या तो सीरियस या फिर रोमांटिक फिल्मों में साथ नजर आए हैं, लेकिन आज तक ये दोनों किसी कॉमेडी फिल्म में एक साथ नहीं नजर आए। इसीलिए इन दोनों की केमिस्ट्री को देखते हुए अली इनके साथ एक कॉमेडी फिल्म बनाना चाहते हैं। बता दे, हाल ही में फिल्म ट्यूबलाइट में शाहरुख खान नजर आए थे और खबरों की माने तो शाहरुख की आने वाली फिल्म जीरो में सलमान नजर आ सकते हैं। वेल, अली अब्बास सफर की दोनों खान्स को एक साथ कॉमेडी फिल्म में कास्ट करने की ख्वाहिश पूरी होगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताएं। बॉलीवुड से जुड़ी ऐसे ही मसालेदार खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई मेरे यानी मंदिरा टैगोर के साथ।